बनाया। तो वो फिल्में उन फिल्मों की अपेक्षा कमजोर फिल्में बनी। इसी तरह राजेंद्र सिंह बेदी भी हैं, जिनसे हम यह जान पाते हैं कि फिल्मकार जब साहित्यकार से छोटा अनुभव करने लगता है तो फिल्में उतनी अच्छी नहीं बन पाती। अजीब बात है कि हिंदी फिल्मों में फिल्म स्टार से निर्देशक का कद छोटा होता जा रहा है, जो अच्छी बात नहीं है। फिल्मों के निर्माण में निर्देशक सबसे बड़ी चीज है। निर्देशक के पास ही वह दृष्टिकोण होता है जो समाजोन्मुखी होता है, जो समाज के लिए होता है। निर्देशक के दिमाग में समाज की उन्नति का एक नक्शा होता है, एक खाका होता है, एक परिदृश्य होता है, उसको वो बताना चाहता है। लेकिन अगर कलाकार एक्टर उसमें विघ्न डालता है, उसको रोकता है, तो यह चीज़ नुकसानदायक होगी, क्योंकि फिल्म एक दो दिन के लिए नहीं बन रही है। फिल्मों का जो उद्देश्य है वो निश्चित रूप से समाज को अच्छा बनाने के लिए है। जैसे साहित्य का मुख्य उद्देश्य है समाज को अच्छा बनाना। जो कुछ भी अच्छा हो सकता है उसको समाज में निर्मित करना होता है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि फिल्म के अंदर बहुत विभाग हैं, उनको लांघा नहीं जा सकता। फिल्म का एक दायरा होता है, उसके अंदर ही हमने जो पांच विभाग बताए उनमें पांचों विभागों को संयुक्त रूप से, जैसे कि एक आर्केस्ट्रा होता है। आर्केस्ट्रा में तरह तरह के वाद्य यंत्र होते हैं और एक गायक भी होता है, तो 20-25 वाद्य यंत्र एक साथ बजते हैं, लेकिन सबके सुर सम्मिलित होते हैं, तभी एक अच्छी रिदम, एक अच्छा वातावरण बनता है जिससे दर्शक मुग्ध होता है, दर्शक सुख प्राप्त करता है। उस तरीके से फिल्मों का भी देखा जा सकता है। तो यह है, फिल्मों की रचना इस तरह से होती है। अब हम फिल्मों के बारे में और साहित्य के बारे में कुछ महानुभावों के, जो महानुभाव इन चीज़ों से जुड़े रहे जिंदगी भर, जिन्होंने ज़िंदगी खपा दी इन सब चीज़ों में, तो हम उनकी भी कुछ बातें करेंगे, कुछ अपनी भी बातें करेंगे। बहुत बड़े प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर राही मासूम रजा ने कहा है कि यदि पिछले 8-10 वर्षों में फिल्मों का अध्ययन करें तो एक अद्भुत वास्तविकता सामने आती है। वास्तविकता यह है कि कानून और कानून संकायों पर से लोगों का विश्वास उठ गया है। अब अपराधी प्रवृत्ति के लोग हमारी फिल्मों के हीरो होने लगे हैं। अब आप देख सकते हैं यह जो बात है भारतीय फिल्मों में, खास करके हिंदी फिल्मों में, अपराधीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। उन्होंने एक उदाहरण दिया था शोले पिक्चर का। उन्होंने शोले का जिक्र किया है कि प्रश्न यह है कि शोले का हीरो पुलिस के पास क्यों नहीं गया। स्वयं पुलिस अधिकारी लेकिन ईमानदार होते हुए भी वह पुलिस के पास इसलिए नहीं गया कि पुलिस जनता की निगाहों से गिर चुकी है। पुलिस डाकुओं से लड़ती ही नहीं, वह उससे रिश्वत कमाती है और लूट के माल में अपना हिस्सा लगाती है, क्योंकि पुलिस स्वयं अपराधी प्रवृत्ति की है। इस सामाजिक समस्या का हल सेंसर बोर्ड के पास नहीं बल्कि हमारे राजनीतिक और सामाजिक ढांचे के पास है। ये राही मासूम रजा का कहना है कि हमको अपने आप में बदलना पड़ेगा। जब तक समाज अपने आप में नहीं बदलेगा तब तक कोई भी संस्था उतना कारगर रूप से काम नहीं कर सकती है जितना कि कहा जाता है। शोले पिक्चर में अगर आप देखें
अभी मैं कुछ आपको दृश्य भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से उसको फिल्माया गया था। तो बीच बीच में तो हम देखते हैं कि जब तक समाज अपने अंदर से नहीं बदलता है, क्योंकि पश्चिमी समाज में जो कुछ भी हम अच्छा कहते हैं, जो कुछ भी अच्छा होगा वहाँ, तो उनके यहाँ वो खुद समाज के लोग ही बदले हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये समाज के लिए नुकसानकारक है। तो लेकिन ये हमारे यहाँ हमारे देश में ये चीज़ें अगर हम किसी के भरोसे बैठे रहेंगे कि नहीं हमको ये करके दिया जाएगा, हमको ये करेंगे तो होगा, तो ऐसा नहीं होगा। हमको अपने आप में सोचना पड़ेगा और हमारा जो सामाजिक ढांचा है और हमारा जो राजनीतिक ढांचा है उसमें बदलाव लाना पड़ेगा। यह सामाजिक और मनोवृत्ति का बदलाव ही है कि 2 बीघा जमीन फिल्में किसान से मजदूर बना बेचारा हीरो, जंजीर का एंग्री मैन एक है, जो दीवार फिल्म तक आते आते माफिया डान बन जाता है। फिल्म 2 बीघा जमीन से चलती है और जैसे जैसे समय क्रॉस करता जाता है, दीवार तक आते आते वो हमारा हीरो डॉन बन जाता है। ऐसा परिवर्तन क्यों हो रहा है? निर्देशक ऐसी चीजों को क्यों दिखा रहा है? और माफिया डॉन को कौन नहीं पहचानता? समाज में सबसे ज्यादा पहचान वाला वही होता है। मदर इंडिया में ऐसे ही हीरो को उसकी मां मार डालती है, आपने पिक्चर देखा होगा। अभी मैं दिखाता हूं आपको। हेलो, हाँ, तो बाजीगर फिल्म का हीरो अपनी प्रेमिका को भी मार डालता है। तो उन्हें दर्शकों की सहानुभूति मिलती है। अब हमारा जो हीरो है हिंदी फिल्मों में या हिंदी नाटक में, हमारा जो हीरो होता है, अगर उसके साथ इस तरह की कोई बात होती है तो दर्शकों की सहानुभूति उस हीरो के साथ होती है, तो उसको जो है एक तरह की सहानुभूति मिलती है। और इसी यही कारण है कि हमारे यहाँ हमारे यहाँ जो है अब ऐसे अपराधी तत्वों को सहानुभूति मिलने लगी है, दर्शकों को ऐसी ये सहानुभूति जो है इस तरह की, जैसे हमने कहा कि मदर इंडिया में जो हीरो की माँ अपने ही बेटे को मार देती है। तू मेरी माँ है, मैं एक औरत हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ। रूपा सारे गांव की बेटी है, वो मेरी लाज है। बेटा दे सकती हूँ, लाज नहीं दे सकती। तू मार सकती है तो मार, मैं भी अपनी कसम नहीं तोड़ूंगा।
बिरजू 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 जैसा कि कहा कि ऐसे जो पात्र होते हैं, तो हालांकि ये जो पात्र है, बिरजू का जो पात्र है, वो तो अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ रहा है। सूदखोरी, गांव में सूदखोरी, अशिक्षा के कारण जो गांव का जो साहूकार है वो किस तरह से गांव के लोगों को परेशान कर रहा है, एक का पांच लेता है, तो उसके खिलाफ उसकी आवाज़ है। लेकिन आज जो फिल्में बन रही हैं, वह फिल्में जो हैं वो एक तरह से अपराधी प्रवृत्ति, हीरो को अपराधी प्रवृत्ति का बनाया जा रहा है, और उसका फ़ायदा जो है वो दिग्दर्शक लोग ले रहे हैं, फिल्म बनाने वाले लोग ले रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए अब ये चीज़ें जो हैं एक व्यापार बनती जा रही हैं कि फिल्मों में अब ज़्यादातर व्यापार दिखाई देने लगा है। इसमें औरत की शरीर बिकती है, धार्मिक अंधविश्वास बिक जाता है। आज सामंती समाज के तौर पर खाली वेश्याएँ ही अपना शरीर नहीं बेचती। आज इसी भारतीय समाज में काले धन और दलाल संस्कृति ने एक ऐसा भोगवादी वर्ग बनाया है जहां कोई वर्जना की सीमा नहीं है। देह का व्यापार बाजार के लिए जरूरी बन गया है। हिंदी सिनेमा ने इसी बाजारवाद को अपने तरीके से अपना लिया है। यही नहीं, फिल्मों ने हिंदू और मुसलमान समाज को भी अपने तरीके से, यानी बाजार को ध्यान में रखकर प्रस्तुत करने की कोशिश की है। यह तो बहुत खराब बात है, इससे तो समाज और भी विभाजित होगा। आज हमारे सामने फिल्मी माध्यम का जो बड़ा खतरा है, वह धार्मिक अंधविश्वास और तंत्र मंत्र है। आपने आज के तमाम साधु संतों या फकीरों को इसका फायदा उठाते देखा होगा। तंत्र मंत्र और धार्मिक अंधविश्वास के कारण हिंदी फिल्में भी हिंदू मुसलमान के घेरे में आती जा रही हैं। जब धर्म व्यापार बन जाएगा, तब पाखंड और अंधविश्वास समाज और राजनीति में सत्ता का खेल खेलेगी, और धर्म से धन और सत्ता दोनों प्राप्त होने लगेगी। शायद यह प्रक्रिया भारत में आम चुनाव के माध्यम से दिखाई भी देने लगी है। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें तो वैराग के निर्देशक, वैराग जो पिक्चर है उसके जो निर्देशक हैं असित सेन, दीवार के निर्देशक यश चोपड़ा और कर्म फिल्म के निर्देशक बी आर चोपड़ा ने जो फिल्में बनाई हैं उसमें उन्होंने इसका भरपूर फायदा उठाने की कोशिश की है। दीवार के अमिताभ बच्चन, कर्म के राजेश खन्ना और वैराग के दिलीप कुमार ने अपने अपने तरीके से लोगों को इसी आधार पर प्रभावित किया है। दीवार में 786 का बिल्ला और शिव के नाक के काट लेने से जन्मजात अंधे को आंखें मिलना, कर्म पिक्चर में डॉक्टरों के जवाब देने के बावजूद मात्र एक भजन से शंकर की त्रिशूल से निकले ज्योति के कारण हीरो का जीवित हो जाना क्या है। अमर अकबर एंथोनी में साईं बाबा का चमत्कार निरूपा राय को गुंडों से बचा देता है। अब देखिए कि ये निर्देशक कितने जानकार लोग हैं और उनकी चालाकी के कारण
ये फिल्में निचले दर्जे से उठकर ऊपर आ गई हैं। मैंने आपको पहले ही कहा कि साहित्यकार और फिल्मकार का दृष्टिकोण क्या है, वो क्या चाहता है। आप अंधविश्वास, तंत्र मंत्र, जादू टोना दूर करना चाहते हैं या उसको बढ़ावा देना चाहते हैं। अब ये हमने जो तीन बड़े निर्देशकों का नाम लिया, असित सेन, यश चोपड़ा और बी आर चोपड़ा, ये भारतीय सिनेमा के स्तंभ हैं, बड़े बड़े निर्देशक हैं। इन्होंने उन्हीं चीज़ों का फायदा उठाया जो हमारे समाज में पहले से ही है और उसको एक तरह से बढ़ावा दिया। आप अगर इस्लाम 786 को बहुत अच्छा अंक मानता है तो उसके 786 से क्या क्या हो सकता है, क्या क्या भलाई हो सकती है और अचानक हो सकती है। शंकर भगवान का त्रिशूल सब कुछ कर सकता है, मरे हुए आदमी को जिला सकता है, क्या ये हो सकता है। या गुंडों और बदमाशों से बचने के लिए आप किसी भजन को गाएं या साईं बाबा का चमत्कार हो जाए और गुंडे बदमाश किसी लड़की को छोड़ दें, क्या ऐसा हो सकता है। लेकिन उसमें दिखाया गया है और हमारी भारतीय जनता उसको देख रही है और उसको मान भी रही है। आप देख सकते हैं कि उपरोक्त फिल्म बनाने वाले दृष्टि संपन्न लोग हैं तो उनकी जवाबदारी समाज के प्रति तो होगी ही, लेकिन नहीं, बाजार का इतना बड़ा असर कि अभी हाल में ही एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता ने अमेरिका की पोर्न इंडस्ट्री से एक महिला को प्रस्तुत करके फिल्म बनाई और वो फिल्म भारतीय बाजार में बहुत धड़ल्ले से चल रही है। तो सवाल उभर करके सामने आता है कि हमारे यहाँ जो हमारे जो एक्ट्रेस हैं, हमारे जो कलाकार हैं, इन चीज़ों से कैसे वो बच सकते हैं। जब कोई साहित्यकार या कलाकार अपनी रचना समाज को देता है तो